जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे वो खतरनाक प्लेइंग 11 जो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने घोषित की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में भारत की टीम को जीत दिलाने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं जो साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहले T20 मुकाबले का सभी को बेसब्री से इंतजार है और इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। टीम में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं जिससे टीम पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। सबसे पहले बात करें बैटिंग लाइनअप की तो सूर्य कुमार यादव कप्तान खुद इस बार टीम को लीड कर रहे हैं। उनके साथ ओपनिंग में अभिषेक शर्मा होंगे जो अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर चुना गया है और उनके बाद रिंकू सिंह जैसे शानदार बल्लेबाज शामिल हैं। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और जितेश शर्मा भी होंगे जो तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। अब बात करते हैं ONL राउंडर सेक्शन की। यहाँ टीम में हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है जो गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग में भी टीम को मजबूती देंगे। इन दोनों की मौजूदगी से टीम का बैलेंस और भी अच्छा हो गया है। अब आते हैं गेंदबाजी लाइनअप पर। यहाँ रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई जैसे बेहतरीन स्पिनर टीम में हैं, जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैश्य, अवेश खान और यश दयाल जैसे तेज गेंदबाज भी हैं जो अपनी गति और स्विंग से विपक्षी टीम को परेशानी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो खतरनाक प्लेइंग 11 जो सूर्य कुमार यादव ने घोषित की है। आपको क्या लगता है, क्या ये टीम साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की और भी जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे।